Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, dear students. As you know, that I have taught you the above point uh, the ideals of literature and the ideals of people found particularly in a particular country. And now uh, we are on the last point, a summary of the subject. चलिए हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट की समरी क्या है वी आर नाउ रेडी इफ नॉट टू डिफाइन एट लीस्ट टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर क्लियरली द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर प्रेजेंट स्टडी अब हम सब रेडी हैं अगर हम डिफाइन ना करें तो एटलीस्ट कम से कम ये तो समझ लेना है कि हमारी जो प्रेजेंट स्टडी है मतलब जो हम स्टडी करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसका मकसद क्या है उसे हम जरा थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करें तो लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी अगर हम बात करें लिटरेचर की तो वह ट्रूथ और ब्यूटी वाले शब्दों में लिखे गए जीवन का एक एक्सप्रेशन होता है यानी कि हमारे ज़िंदगी का जो एक्सप्रेशन है वो सच्चे और बड़ी खूबसूरत शब्दों में पिरोए गया एक परो एक रचना होती है जिसको हम लिटरेचर कहते हैं इट इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैं स्प्रिट ऑफ इस थाट्स इमोशंस एक्सप्रेशन ये क्या होता है रिटन रिकॉर्ड होता है लिखा गया एक रिकॉर्ड होता है एक इंसान के स्प्रिट का एक इंसान की मतलब स्पिरिट का मतलब भावनाओं का उसके जो मतलब वे ऑफ थिंकिंग है कैसा सोचता है कैसा करता है कार्य व्यवहार में वो चीज़ें कैसे लाता है और आफिस थाट्स उसके विचार उसके इमोशन emotion, विचार इमोशंस का मतलब संवेग और एस्पिरेशंस उसकी आकांक्षाएं कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है इट इज़ द हिस्ट्री एंड द ओनली हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सोल या हिस्ट्री तो है लेकिन ह्यूमन सोल की हिस्ट्री है देखिए हिस्ट्री और लिटरेचर में पहले डिफ्रेंशिएट किया जा चुका है आप पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है हिस्ट्री जो होता है वो डीड्स के रिकॉर्ड को डीड्स किसी भी एज में हुए जो एक्शंस होते हैं उनके डीड्स के रिकॉर्ड को प्रिजर्व करता है लेकिन लिटरेचर जो होता है वो आ, उनकी जो आइडियल्स होते हैं वो कहाँ से इमर्ज हुए अगर कोई इंसान लुटेरा बना तो परिस्थितियाँ क्या थीं अगर कोई इंसान समुद्र सफ़र किया तो क्यों किया उसके पीछे क्या रीज़न्स थे और उन फेत क्या रही होगी उनकी किसी गॉड के प्रति उनकी क्या फेत रही होगी इंसानों के प्रति क्या फेत रही होगी और लोग वीमेन के प्रति कैसी किस तरह की भावनाएं रखते रहे होंगे मतलब इस तरह के विचारों को जो प्रिजर्व करता है उसे लिटरेचर कहते हैं तो ये क्या है एक लिटरेचर की एक करेक्टरिस्टिक होती है जो कि ह्यूमन सोल को वो रिप्रजेंट करती है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई इट्स आर्टिस्टिक इट्स सजेस्टिव इट्स परमानेंट क्वालिटीज़ ये तो बताया जा चुका है इस पर और ज़्यादा मैं इम्फेसाइज़ नहीं करूँगा बताया गया कि ये इसके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मतलब जो लक्षण हैं इसके वो ये हैं आर्टिस्टिक सजेस्टिव परमानेंट क्वालिटीज होते हैं इसमें ये इसके कैरेट्रिस्टिक हैं इसके अलावा टेस्ट में भी बताया था मैंने इट्स टू टेस्ट आर इट्स यूनिवर्सल इंटरेस्ट एंड इट्स पर्सनल स्टाइल इसके टू टेस्ट भी हैं जो कि यूनिवर्सल यूनिवर्सैलिटी हैं और पर्सनल स्टाइल हैं इट्स ऑब्जेक्ट असाइड फ्रॉम द डिलाइट इट टू नो मैन दैट इज सोल ऑफ मैन राधर दैन इज एक्शंस लिटरेचर का ऑब्जेक्ट तो ये है अगर हम आनंद लेने की बात ना करें थोड़ा सा हटाने से तो ये क्या है इंसान को जानना और बेसिकली उसकी आत्मा को जानना उसके सोल को जानना सोल बहुत बड़ा एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत एक्सपेंडेड मीनिंग रखता है ये इसको तो खैर मैं इस पर बात नहीं करूँगा बात कर चुका हूँ सोल के बारे में सोल ऑफ मैन रादर देन हिज एक्शंस देखिए एक्शन की जो स्टडी करता है वो तो हिस्ट्री जो रिकॉर्ड करता है वो एक्शन को रिकॉर्ड करता है तो उसके एक्शन से कहीं ज़्यादा उसके सोल को जो रिकॉर्ड करते हैं उस लिटरेचर करते हैं एंड सिंस इट प्रिजर्वस टू द रेस द आइडियल्स अपॉन विच ऑल सिविलाइजेशन इज फाउंडेड और ये क्या करता है प्रिजर्व करता है इट प्रवस टू द रेस मतलब किसी खास रेस जात जो पर्टिकुलर एथनिक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वो उनके आइडियल्स को प्रिजर्व करता है जिस पर सारी सिविलाइजेशन फाउंडेड होती हैं मतलब उस पर इस्टेब्लिश की जाती हैं सिविलाइजेशन उन्हीं पर बेस्ड होती हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलइटफुल सब्जेक्ट्स दैट कैन एक्यूपाई द ह्यूमन माइंड और ये क्या है उन आनंदित करने वाले सब्जेक्ट्स विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय है जो क्या करता है ह्यूमन माइंड को अकोपाई किए हुए मतलब ह्यूमन माइंड के अंदर एक स्थान घिरे हुए यूं कह लें कि ह्यूमन माइंड के अंदर एक स्पेस जो बनाए हुए है वो है लिटरेचर क्योंकि वो क्योंकि हमारा एक पहलू सोल्स जुड़ा हो जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है मैं अगर इसको अपने शब्दों में बताऊं तो शरीर के द्वारा किए गए कार्य को हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है और सोल के द्वारा किए गए कार्य को लिटरेचर रिकॉर्ड करता है बस इतना ही डिफरेंस है और मुझे लगता है बस यहीं पे आपका ये लिटरेचर का लिटरेचर के बारे में समझने का जो पहला प्रीफेस था वो ख़त्म हो चुका है गाइस यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन अब हमारा पहला चैप्टर एंग्लो सेक्शन पीरियड शुरू होगा अब हम बात करेंगे और अच्छे से ठीक है धीरे धीरे हम लोग ये बुक ख़त्म करेंगे और मुझे लगता है बहुत डिटेल में नॉलेज हो जाएगी हमें ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो